ब्रह्मास्त्र, जिस मूवी ट्रेलर का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था वो आखिरकार रिलीज़ हो गया। देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्रेलर देखा, बहुत ही लाइट चमक धमक एक्शन सीन्स VFX देखने को मिला। जब आप ये सब चीज़ें देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ हो जाता है कि चलिए कुछ अलग करने की ज़रूर कोशिश की गई है। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार ट्रेलर देखा तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि बैकग्राउंड में क्या चलाया जा रहा है। तो बैकग्राउंड में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, भगवान की फ़ोटोज़, भगवान के दृश्य देखने को मिलते हैं। वो देख के अच्छा लगता है, लेकिन गूस बम्प्स नहीं आते हैं, जो कि हमें कुछ और ट्रेलर्स देख के, हाल ही में जो बड़े बड़े ट्रेलर्स रिलीज़ हुए हैं वो देख के आए। अमिताभ बच्चन देखते हैं, उनकी बैकग्राउंड में वॉइस चली होती है, सुनकर भी अच्छा लगता है, देखकर भी अच्छा लगता है। नागार्जुन हमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े एक्टर, वो भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ ट्रेलर के बारे में, तो मुझे जो शायद मेरे अंदर भरा हुआ था इस मूवी को लेकर के, उस एक्सपेक्टेशंस पे ये मूवी खरी नहीं उतरी, इसका ट्रेलर सॉरी। मैं लेके चला हुआ था इस मूवी को कि एक प्रॉपर इस मूवी को जो है एक गुरु, एक जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि ये ट्रेलर में कहा जाता है कि ये जो मूवी है ना, इसकी जो स्टोरी है ना वो बेस्ड है ब्रह्मास्त्र पे, और ये स्टोरी बेस्ड है शिवा पे। शिवा कौन है? रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर की जो शक्तियां हैं उनको कौन उभारते हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्योंकि उनके गुरु होते हैं, तो अमिताभ बच्चन ही उन्हें करवाते हैं रियलाइज़ कि भाई उनमें क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। फिर थोड़ा ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है लव एंगल। अब पता नहीं, लव एंगल इसमें थोड़ा सा मॉडर्न, ज़्यादा ही लव एंगल घुसा दिया गया है, और रणबीर कपूर की वो दूसरी इमेज जो है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देख के लगता है कि अयान मुखर्जी ने शायद जो लव एंगल है इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है। ट्रेलर तक में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेग्लिजिबल ही रहना चाहिए था, लेकिन ट्रेलर में भी जब हमें अच्छा खासा इसमें सीन्स देखने को मिले तो ऑफकोर्स मूवी में तो भरा पड़ा होगा। नंबर दो बात की, जब आप ट्रेलर लॉन्च पे या फिर काफ़ी जगह पे कहते हैं ना कि मूवी जो है हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है और काफ़ी बातें, तो वहाँ से मेरे माइंड में ये था कि ये मूवी जो है इसमें रियलिटी में बहुत कुछ जो हमारे पुरानी कल्चर है उसको दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। जितना भी कुछ है वो लेटेस्ट नए वर्जन से दिखाया गया है, ऐसा कुछ पुराना कल्चर खास अभी तक ट्रेलर में तो हमें देखने को नहीं मिला। अब शक्तिमान आपको याद होगा, अब आप बोलेंगे यार शक्तिमान से कहाँ तुलना करो, लेकिन अगर आप शक्तिमान का कॉन्सेप्ट देखोगे ना, वो भी एक मॉडर्न लाइफ पे बेस्ड था कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके पीछे एक गूस बम्प वाली बात वो थी, मज़ा देखने में हुआ था क्योंकि जो उनके गुरु थे ना वो किस तरह से थे। अगर आपने शक्तिमान के गुरु देखे होंगे तो वहाँ से इमेज आप उठाएं और अब की इमेज देखें तो उसमें डिफरेंस है। अमिताभ बच्चन ऑफकोर्स अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस मूवी में उनका यूज़ किस तरह से किया गया होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा। इनकी बेटी बनी है जो जिसके पास खुद के पास शक्तियां हैं, वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती हैं, और फिर नागार्जुन है उनके पास भी अपनी शक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे ऑफकोर्स नया कॉन्सेप्ट थोड़ा लाने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि देखने में ट्रेलर अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे गूस पंप वाली बात मुझे फील ट्रेलर देख के नहीं आया। एक और बात कहूँगा कि करण जौहर की ये मूवी है, ये ट्रेलर देख के पता चलता है। पूरी मूवी में हमने कहीं नहीं देखा कि रणवीर सिंह के चेहरे पर कोई भद्दे दाग हो, कहीं रणवीर सिंह हमें बुरे लग रहे हो देखने में। जब चोट भी लगती है तो वो भी ऐसा लगता है परफेक्ट चोट है, तो क्या कहें। हालांकि कुछ मैं इस ट्रेलर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि देखने में ट्रेलर अच्छा है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्या दिल में टच कर पाया तो बिल्कुल नहीं।